ताकि
के खुदा हमारे दुआओं को सुने, अगर कोई गुनाह गलतियां होती हैं तो हम उसके लिए माफी मांगे। Thank you.
तारीख है, अय्यम दफा का दिन भी है, तो आज हम जैसे इबादत कर रहे हैं तो अपने मुल्क के लिए भी इबादत करेंगे, अपने मुल्क के लिए भी बनकर चाहेंगे। तो मैं भाई लोगों से कहूँगी इबादत के लिए भी दुआ करें, तमाम को कुरान भी रखें और अपने मुल्क के लिए भी। आए मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आए हम सब दुआ करें। मैं और आप अपने आसमानी बाप के घर में आए हैं दुआ करने के लिए, इबादत करने के लिए। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, डरते हुए खुदावन की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। आए हम खुदावन की हुजूरी में डरते हुए और कांपते हुए खुदावन की इबादत करें। ये वक्त, ये अच्छा दिन आपको और मुझे खुदा ने दे दिया है कि हम उसकी इबादत करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, उसकी तारीफ करें, उसकी परस्तिश करें और गुजरे हुए दिनों का भी शुक्र करें और मुल्क पाकिस्तान की सलामती की दुआ करें, मुल्क पाकिस्तान की अफिसरों के लिए, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, रेंजर के लिए और भी आला वाला अफरान के लिए दुआ करें। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए कि तूने एक अच्छा दिन मेरी ज़िंदगी में बख्शा है कि मैं तेरे घर आऊँ और तेरी इबादत करूँ और तुझसे बरकत पाऊँ और गलतियों, खताओं और गुनाहों की माफ़ी पाऊँ। आज जितनी बहनें आ चुकी हैं इनका तेरी बरकत चाहता हूँ, जितने भाई आ चुके हैं सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। आसमानी बाप, जो लोग रास्तों में आ रहे हैं, तेरे आगे दुआ करता हूँ, मिन्नत करता हूँ तू उनको जल्द से जल्द अपने घर में ला ताकि हम मिलकर तेरी इबादत कर सकें। आसमानी बाप, क्वायर पर तेरी बरकत चाहता हूँ, जो भाई जो बहन बेटी को लीड कर रही है उस पर तेरी बरकत चाहता हूँ और अबलीस के सारे मनसूबे यस्सु के नाम से दूर हो जाए। आसमानी बाप, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ, मुल्क पाकिस्तान के अंदर सलामती हो, बरकत हो लोगों पर और हर तरह के गुनाह, हर तरह की मुश्किलें मुल्क पाकिस्तान से दूर हो और आज अच्छे दिन के लिए जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में मनाया जा रहा है 6 सितंबर, आसमानी बाप पाक आर्मी को बरकत दे, पुलिस को, रेंजर को और अफिसरों को से आसमानी बाप बरकत दे। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते सब कुछ मानते आसमानी बाप तेरे बेटे के शुक्र। आइए सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, तो खड़े होकर खुदावंद की हमद सताइश करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु सुल्तान की। फिर के गीत गाएंगे, मैं जिथे जावा यीशु मेरे, मैं जिथे जावा यीशु मेरे, प्रेज द लॉर्ड। सो फिर के प्रस्तुत करेंगे खुदावंद के नाम की सराइज करेंगे। हालेलुया, believe on God, believe on God, believe on God.
Thank you.
याद होगा कौन सा कलाम
का शुक्र है। हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, बेहद शुक्रगुजारी है। ग्लोरी टू गॉड माइटी जीसस। आई अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करना शुरू करें, अपना ध्यान आलमे वाला की तरफ लगाएंगे। Yes, hallelujah, namaste, baba, baba, nade, billo, roko, boyo, tolo, rozumbara, tibi, biara, kolo, rozumbanda, ibando, roos, ika, yo, sandoro, praise, hallelujah. Tum sa, koi, tum sa, अपने हालात के दौरान एक रात हो जाए कोई गया उसका कोई नहीं जो इस कदर कि अपनी जान के लिए हमें दे दे Oh, yes, hallelujah.
कितने लोग हैं, मैं अभी भी देख रहा हूँ कि आज Thank you.
जिंदा को मौके पर जान दिया। अच्छा हम नारा लगाते हैं तो हम दुश्मन के ऊपर इस बात को वाजिया कर देते हैं कि हम तुझसे जोरावर है और तुझे मजबूत कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया का मतलब समझते हैं क्या? क्या हालेलुया का मतलब क्या? यानी कि सिर्फ वही तारीफ के लायक है और कोई दूसरा नहीं। मैंने अपनी इस उम्र में भाई साहब इस बात के गवाह हैं। भाई साहब हालेलुया किसी और से सुने? यीशु के सिवा हालेलुया किसी और के लिए सुने? कभी किसी कौम ने इस्तेमाल किया हो वो तो कुछ फखर से कौन ना, किसी ने मुझे चीनम पाई है टॉफी नहीं है तो भाई बड़ा शोर लगा रहा था। हालेलुया हालेलुया मेरी आंख खुली, बाकी सारे रंग हो गए ठंडे से। आपका यीशु जिंदा, हालेलुया हालेलुया। मैं कहता हूं कि जब हम हालेलुया पुकारना शुरू करें तो जमीन आसमान मिले। हालेलुया हालेलुया आई हैव टू वॉक अपने सर से आया आसमानी बाप मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप तुझे बातों में सच्चा गाते हैं। आसमान तेरा तख्त है और जमीन तेरे बांधने की चौकी। हम तेरी चौकी पर एक कदम सर लगू हैं और तेरी कुदरत को कसरत के साथ मांगते हैं। ऐ खुदा खुदा तेरे आगे मिन्नत करता हूँ अपने रूह कुदस को भेज। हम तेरे रूह कुदस से परे हुए नजात के इस पैगाम को समझना चाहते हैं। हम उस नजात को जो तूने सलीब पर अपनी जान के वसीला से हमें दी है उसमें कायम रहना चाहते हैं, इस नजात में भरना चाहते हैं। उस ताज की जो तूने हमें दिया है हिफाजत करना चाहते हैं ताकि कोई इस ताज को छीन ना ले। मैं ऐ खुदावंद तेरा खादिम होते हुए तेरे वंशों के लिए तेरी बरकत को मांगता हूं, रूह को उसकी अनाइंटिंग मांगता हूं, डबल पोर्शन अनाइंटिंग मांगता हूं ऐ खुदावंद खुदा, ताकि जब तेरा बंदा तेरे कलाम को नजात के इस पैगाम को ऐ खुदावंद तेरे बच्चों में हिस्सा वही समानता है ऐ खुदावंद हर एक लफ्ज तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो और तेरे खून में लिखा हुआ। आज मिन्नत है कि हर एक नजात के इस कलाम से बरकत पाए यीशु के नाम से। आमीन। भगवान जी कुछ भी रखें कितने लोग खुश हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं और साथ कहें हालेलुया 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 हालेलुया। मुझे यीशु के पास कलूस और जलाली नाम दें। आप सब की सलामती हो। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा मदद अजीम है, वो कुदरत से भरा हुआ है और उसका फजल हम सबों की जिंदगी पर है। आज जब हम खुदा के घर में मौजूद हैं तो ये हादसा नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये खुदा का मंसूबा है कि उसके लोग खुदा उनकी हजूरी में हों। आप सब मुबारकबाद के लायक हैं कि आप खुदा के घर में खुदा उनकी हजूरी में हैं। हमने मिलकर प्रस्तुत की है खुदा के नाम को जलाने का। क्वायर के लिए तालियां बजा दे। हम सभी है और खुदा के लिए शुक्रगुजार हैं। सब स्कूल टीचर्स के लिए तालियां बजा दे, वो आप भी हमारे दरमियान हैं और लगता है अगला इतवार भी को हमारे साथ पहुँचे बच्चे भी और सब स्कूल टीचर्स। बाइबल मुकद्दस कुव्वत जोर और शादमानी से मामूर प्रताप है। इस पर गौरवोस, इस पर ध्यान देना, इस पर ध्यान
लोगों की जिंदगियों को बदल देता है। उनकी जिंदगी में शादमानी, निजात और शिफा जारी हो जाती है। खुदा का कलाम जब खुलता है तो अल्लाह की बरकत जोर से नाजल होती है। सब कह सकते आमीन। और आज भी हम खुदा के कलाम के खुलने के सबब से, उसको सीखने के सबब से बढ़ पाएंगे। पिछले संडे से एक मैसेज को हमने शुरू किया है, हम सदी पर गौर कर रहे हैं और मैंने एक बात बताई कि बाइबल मुकद्दस को, किताब मुकद्दस को लिखने वाले वो 40 लोग हैं और इन 40 लोगों की जब हम बात करते हैं तो ये सब के सब जब लिख रहे हैं, तहरीर कर रहे हैं, तो एक का दूसरे के साथ ताल्लुक नहीं और कई जो हैं सदियों के बाद उसको लिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक रब्त है, इसमें एक हम अंगी है। और ये इसलिए है कि ये किताब इल्हामी किताब है और खुदा इसका लिखाने वाला है और रूह कुदस की तहरीक से उसके लोगों ने इसे लिखा है। बेशक इसमें बड़ी रब्त, इसमें बड़ी यगानगत, बड़ी एक दूसरे के साथ हम आहंगी नजर आती है, लेकिन तो भी हर दौर में, आज का दौर में, हर दौर में इसको समझने वालों के दरमियान कई तरह का तजाद नजर आता है। लेकिन अफसोस इस बात पे कि आज के दौर में सदीब के कला उठने वाले बहुत हैं, उस दौर में भी बहुत थे। इसलिए ये जरूरी जाना गया कि हम सब कलाम मुकद्दस में से बाइबल की सच्चाइयों में एक बड़ी सच्चाई सलीब को हकीकी तौर पर समझे, बेहतर तरीके से जाने, ये ना समझे उन लोगों की तरह जो बेवकूफ हैं, क्योंकि लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है। वो लोग तो बेवकूफ हैं जो इसके पैगाम को, इसकी शान को, इसकी फतह को, इसकी कामयाबी को नहीं समझ पाए। हम उनकी मानत ना रहे, हमारे नजदीक शरीर खुदा के फख्र का निशान हो, हमारा फख्र हो और हम खुदा के नाम को जला देते रहे। इतनी मेहरबानी से आप आए सामने, वो जाट लेकर जरा आज फिर लोगों को दिखाएं। और उस दौर में हमने ये बात की पिछले लेक्चर में कि चार तरह की सलीब जो है वो नजर आती थी। एक तो वो सलीब जो हमेशा हम देखते हैं और जिस पर हम जो है अपने मसीहा के मसलूब होने के बारे में जानते हैं, और एक जो है टी की मानद होती थी, और ये इस पे भी मुजरमों को मसलूब किया जाता था। एक एक्स की मानद होती थी, इस पे भी मुजरम को मसलूब किया जाता था, और एक जमा के निशान की तरह नजर आती थी, इस पे भी लोगों को, मुजरमों को मसलूब किया जाता था। इस तरह से ये चार तरह की सलीब होती थी। लेकिन हम मसीही ईमान में इस तरह की सलीब पर यीशु मसीह की मसलूब करते हैं। थैंक यू। इस तरह भी थोड़ा सा खड़ा कर, तो ये बात हम कर चुके हैं, लेकिन मैं दोहराई कर रहा हूँ इसलिए कुछ नए लोग भी हमारे साथ जो पिछले संडे नहीं थे वो मौजूद थे। इन बातों के साथ साथ फिर हमने सीखा कि सलीब का पैगाम तो शायद पिछले संडे इस पर हम बात करेंगे,
इसमें जब मैं इसे स्टडी कर रहा हूँ और इतना ज्यादा ये बड़ा मजमून है कि मैंने पिछली दफा भी कहा कि मेरी लाइफ खत्म हो सकती है लेकिन सलीब का पैगाम नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि ये बहुत वसी मैसेज है। और इस पर हमने ये जाना कि सलीब जो हम मसीहों के ईमान में एक शान और फतह है, कामयाबी है, सरफराजी का निशान है, इसके लिए बहुत से हवाले पड़ेंगे। और एक हवाला आज फिर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो ये था सूचियों के कट में कि उसने बताहे तो वो सलीब पर चढ़ा हुआ नजर आता है, बताहे तो वो उसके हाथों और पैरों में मेखे लगाकर उसे सलीब पर चढ़ दिया गया है, लेकिन उसने सलीब पर अब्लीस की कुवतों को शिकस्त देकर बर्मला अब्लीस का तमाशा बनाया है। इसलिए सलीब हम सबों के लिए फकर, हम सबों के लिए खुदा के हजूर एक शान और सरफराजी का निशान है। और भी बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम आज के मैसेज की तरफ निकलें। स्लाइड कम हो चुके, ये आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है जी? सही नजर आ रही है, सही नजर आ रहा है, तो फिर ठीक है। तो ये जो है आज का मैसेज, उसका इनवान परुशुसुल और शरीर की बना दी, परुशुसुल की खिदमत में सलीब पर बहुत मनादी की गई है। और परमेश्वर सलीब के पैगाम को हमेशा तरजीह देते रहे हैं और उनकी हमेशा लालचा रही कि वो सलीब का मैसेज जरूर बयान करें। दुनिया के एक बड़े अजीम कादम, इन दिनों वो खुदा में सो गए हैं, क्या नाम, बिली ग्राम, बिली ग्राम कहते हैं कि अगर मैं जितने मैसेज सुनाऊं उसमें मैंने सलीब का जिक्र नहीं किया तो मैंने मैसेज नहीं सुनाया। बहुत बड़ा दुनिया का खादम, उसकी खिदमत के वसीला से बहुत से लोगों ने निजात, शिफा और बरकत पाई। बादशाहों के साथ कलाम करने वाला शख्स, और वो कहते हैं कि अगर मैं मैसेज सुना रहा हूं और उस मैसेज में सलीब का जिक्र नहीं आया तो मेरा मैसेज, मैं समझता हूं वो अपने नजदीक ये जानते हैं कि वो मेरा मैसेज अधूरा लगा है, मैंने पूरा मैसेज डिलीवर नहीं किया, मैंने इंसाफ नहीं किया कलीसिया के साथ, क्योंकि मैंने सलीब का जिक्र उसमें नहीं किया। सलीब इस कदर मसीही दुनिया में अहम, इस कदर जरूरी, क्योंकि ये एक बड़ा मैसेज है। और इस पर हम बात कर रहे थे पिछले संडे भी कि जब रसूलों ने मैसेज देना शुरू किया और उनका पहला मैसेज जो था, पत्रस रसूल ने दूसरे बाब में गैर जबानों की के बाद जो सुनाया तो उसने कहा जिसको तुमने मसरूर किया है। और वो जब मसरूफियत की बात कर रहे थे तो इसी दूसरे बाब में 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, ये मर्द ही मर्द हैं, खवातीन इसमें शामिल हैं। यानी सलीब का पैगाम निजात पैदा करता है, सलीब का पैगाम हमारी जिंदगी में कुदरत पैदा करता है। और ये जो अमाल दूसरे बाब में है, ये पत्रस रसूल सलीब के पैगाम को बयान कर रहे हैं। और आज मैं बात करना चाहता हूँ पत्रस रसूल की, और पत्रस रसूल
कि मनाती में शरीर जो है उसको हम देखने की कोशिश करें। पहले ग्रंथियों पहला बाप 17वीं आयत आपके सामने है और इसमें परमेश्वर सुन कहते हैं, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की तालीम बेतासीर ना हो। परमेश्वर सुन कहते हैं कि मुझे जो खुशखबरी का पैगाम मिला है, मुझे जो खुदा ने चुना है, मेरा बनावा जो खुदा की तरफ से है, मेरी हिकमत ये नहीं कि मैं बस लोगों को बपतिस्मे देते फिरूं और ये समझूं कि अब काफी हो गया है, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरी बलाहट, मेरा चुनाव, मुझे जो बुलाया गया है, जो मुझे निकाला गया और चुना गया है, वो खुशखबरी के लिए है, और वो खुशखबरी जो है बड़ी हिकमत की, दुनाई की गहरे और बड़े पेड़ में आप पर खोलने के लिए नहीं चुना गया। मेरी खिदमत यह है कि मैं मसीह की सलीब आप लोगों के सामने रख सकूं। मसीह की सलीब मैं तुम्हारे सामने उसको पेश कर सकूं, क्योंकि मैं चुना गया हूं कि मसीह की सलीब को तुम्हारे सामने पेश करूं। और ऐ भाइयों, ये पहला ग्रंथियों दूसरे बात की पहली और दूसरी आयत है, और ऐ भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मनाजी करने लगा, तो आला दर्जा की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जाने। वो क्रंथस की कलीसिया को वाज़े और बड़ा मैसेज देते हैं और कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे दरमियान आया तो बहुत सारी वेद की बातें, मकाशवा की बातें, नबूवत की बातें ये मैं कर सकता था, लेकिन मैंने ये जाना कि तुम्हारे साथ इन बातों को एक तरफ रखते हुए मसीह मसलूब की मनादी करूं। हमेशा उनकी ये लालचा है कि वो मसीह मसलूब के बारे में लोगों को बताएं, मसीहा मसलूब की तालीम लोगों के सामने पेश करें, और उसकी मसलूबियत, उसका शरीर दिया जाना, उसका शरीर चढ़ाया जाना, वो क्यों था, कैसे था, और उससे हमारी जिंदगियों में मसीह का कैसा बड़ा फजल हुआ है, मैं ये चाहता हूं कि वो बातें परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हारे साथ शेयर की जाए, क्योंकि सलीब का पैगाम जो है ये निजात पैदा करता है। आज मुझे माफ कीजिएगा, सलीब के पैगाम को तरजीह नहीं, शफा के मैसेज की बड़ी बात होती है। आपको शफा कैसे मिल सकती है, आप कैसे शफा पा सकते हैं, ये जोर दिया जा रहा है। काश परमेश्वर की तरह, काश
पत्रस रसूल की तरह हम आज के कदम इस बात को ठान ले कि हमने लोगों के सामने मसीह की शरीर को रखना है, क्योंकि जो कोई इस पर नगा सकता है, जो कोई इस पर ध्यान देता है वो निजात पा जाता है और शरीर के पैगाम में शिफा भी आपको नजर आए। अगले मैसेज हवालों में हम इस पर भी बात करेंगे। तो शरीर पहली बात तो ये है कि ये निजात को हमारी जिंदगियों में जाहिर करती है, ये निजात के मंसूबे को हम पर बयां करती है, बिल्कुल वाज़े और साफ करती है। इसलिए शरीर पर निगाह करना, शरीर पर गौर करना और शरीर के मैसेज को जानना और सीखना हमारी जिंदगी में नहायत जरूरी है। जब हम इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पदुसूल गलतियों के खत में उसके छठे बाप की तेरहवीं और चौदहवीं आयत में इन बातों को हमारे सामने रखते हैं, क्योंकि खतना करने वाले चुराने वाले खुद भी शरीयत पर अमल नहीं करते, मगर तुम्हारा खतना इसलिए करना चाहते हैं कि तुम्हारी जिस्मानी हालत पर फख्र करें। लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सवा अपने खुदा यीशु की तारीफ, जिसे दुनिया मेरे एतबार से मशरूफ हूं और मैं दुनिया के एतबार से। बड़ा जबरदस्त इसमें मैसेज शरीफ को बड़े खूबसूरती से पलूस रसूल जो है वो हमारे सामने पेश कर रहे हैं। वो खतने की बात करते हैं कि यहूदियत में खतना इसलिए किया जाता है कि वो फख्र महसूस करें कि हम मखदूम लोग हैं, हमने शरीयत को पूरा किया है। इसलिए वो तुम्हारा खतना इसलिए करते हैं कि शरीयत के अमल में से गुजरते हुए वो इस बात को जाने और उसके बाद उस खतने पर फख्र करे। आज के दौर में जिस तरह से एक जो दायरा है या कुछ डिनोमिनेशन जो है उसमें बपतिस्मे को इस कदर तरजीह दी जाती है, जिसको बपतिस्मा दे लेते हैं और बपतिस्मे कानूनी बदल पा समझ कलते अरे कोई दूसरा, ये उनके लिए उन खादमों के लिए फख्र का निशान बन गया है। लेकिन पौलुस रसूल कहते हैं कि ये जाहिरी निशान है, बपतिस्मा भी जाहिरी निशान है, लेकिन शरीर हमारी जिंदगी में हमारे बातन को हमारे अंदरूनी तमाम तर सिस्टम को जो घृणा के सबब से तबाह हुआ है उसको दुरुस्त करती है, उसको वो जो है अच्छा करती है। शरीर हमारी जिंदगी में जो है खुदा की कुदरत है और परमेश्वर तो कहते हैं कि वो तो खतना करने के बाद खतने पर फख्र करते हैं। लेकिन मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूँ कि खुदा ना करे मैं उनकी मानत हूँ, मेरे नजदीक मेरा फख्र मसीह की शरीर है। अगर कोई शख्स उसने बपतिस्मा तो ले लिया है लेकिन वो शरीर के पैगाम को नहीं समझा, शरीर की कुदरत उसकी जिंदगी में नहीं उतरी, तो पास्टर आशर वो बदल सकता है, वो तब्दील हो सकता है, उसे उस बपतिस्मे का कुछ फायदा हुआ, कुछ फायदा हुआ अच्छा मोश हो नहीं,
उसे कुछ फायदा नहीं हुआ बपतिस्मा लेने का अगर उसने शरीर को अपनी जिंदगी में मौका नहीं दिया। और परमेश्वर यहां यही हमारे सामने बयान करते हैं कि खतना एक जहरी अलामत है, वो उस पर फख्र करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे खुदा ने जो चुना है इसलिए नहीं कि मैं लोगों को बपतिस्मा देता फिरूं, मुझे तो इसलिए चुना है कि मैं लोगों के सामने शरीर के पैगाम को वाज़े कर सकूं। क्योंकि शरीर का पैगाम हमारी जिंदगी में खुदा की कुदरत को जाहिर करता है, शरीर का पैगाम हमारी जिंदगी में नजात को जाहिर करता है, शरीर का पैगाम हमारे अंदर खुदा की कुदरत को जोर से अंडेलता है। और वो जो शरीर के पैगाम को समझे, शरीर को जान गए हैं, शरीर पर जिनका पूरे तौर से इत्मीनान है, वो खुदा की कुदरत में बहुत से लोगों के लिए निजात, शिफा और बरकत का सबब बनते हैं। परमेश्वर की ये बातें जबरदस्त हैं और उसकी मनादी शरीर के लिए है और वो चाहता है कि इस बात को बहुत सारे लोगों के सामने रखा जाए। वो चाहता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शरीर की मनादी में निजात पा जाए और खुदा की कुदरत को हासिल करें। पहला पत्रस दूसरा बाप 24वीं आयत और इसमें जबरदस्त मैसेज खुदा का बंदा पत्रस हमारे सामने रखता है और वो ये है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ाया ताकि हम गुनाहों के इतबार से मरकर रास्तबाजी के इतबार से जिए और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाए। यशाया 53 बाप जरूर कर जाती पड़े इस जो वादा है उसके साथ वो बड़ा मैच करता है। यशाया 53 बाप यशाया जो है इसमें सालों साल पहले ये नबूवत करता है, ये मनादी करता है, शरीर के पैगाम को लोगों के सामने बयान करता है। आप देखेंगे कि किस तरह से शरीर का मंजर यशाया ने पहुंचा है और शरीर के पैगाम को किस तरह से उसने बयान किया और उसी तरह से वर्षों सालों और पत्रस रसूल ये कहते हैं कि वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। किनके गुनाहों को? किनके गुनाहों को? और कितने लोग ईमान रखते हैं कि वो हमारे गुनाहों के सबब से मसलूब हुआ? सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि वो हमारे गुनाहों के सबब से मसलूब हुआ। और मैंने ये पिछले मैसेज में इस बात को बयान भी किया कि उसका जज जिसकी अदालत में उसे पेश किया गया कि ये लोग जो उसे मसलूब करना चाहते हैं कोई उस पर इल्जाम लगा सके, और उन्होंने कई तरह के इल्जाम जो है वो बयान किए लेकिन वो कुछ भी साबित ना कर पाए। और वो मुंसिफ जो था, वो जज जो था, वो हाकम जो था, उसने पानी मंगवाया और अपने हाथ धोए और कहा कि मैं इस रास्तबाज की जिंदगी में कोई गुनाह जो है नहीं देखता। और उसने खुद भी ऐलान किया कि कौन मेरी जिंदगी में गुनाह को साबित करता है। इस तरह से ये बहुत वाज़े है कि वो
जो मसलूब हुआ है उसकी जिंदगी में तो गुनाह नहीं। और पत्रसुल यही भी बयान करते हैं कि वो जो मसलूब हुआ है वो मुजरम नहीं है, वो जो मसलूब हुआ है वो गुनाहगार नहीं है, वो जो मसलूब हुआ है उस पर कोई गुनाह साबित नहीं हो सका। और वो मसलूब हुआ है तो इसलिए मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले ले और गुनाहों की तमाम तर वो सजा जो हमारे ऊपर आनी थी वो सजा जाती रहे, खत्म हो जाए, वो उठ जाए। इस सबब से पत्रस रसूल कहते हैं कि वो हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लेकर सलीब पर चढ़ गया। वो सजा जो हमारी बनती थी वो उसने अपने और हमें रास्तबाजी के एतबार से जिंदा कर दिया है, ताकि ये जाना जाए कि सलीब पर मेरे गुनाहों को मेरे मसीहा ने उठाकर मुझे माफ कर दिया है, मुझे निजात दे दी है, मुझे रहाई दे दी है, मुझे बचा लिया है। अब मैं गुनाहगार नहीं रहा, मेरे गुनाहों को मेरे मसीहा ने, मेरे खुदावंद ने, मेरे प्रभु ने, मेरे यीशु ने सलीब पर उठा लिया है, ले लिया है। और अभी इसका उसने बनमला तमाशा बनाया है। और ये सलीब का पैगाम है, ये सलीब की कुदरत है जो हमारी जिंदगियों में है। इसलिए आज हम मसीही ईमान में अंजील की तालीम के मुताबिक सलीब को लानत का निशान नहीं बल्कि बरकत का निशान, कुवत और सलामती का निशान और हम निजात का निशान समझते हैं। इसलिए हम सलीब पर फख्र करते हैं और सलीब को हमेशा हम अपने सामने रखते और खुदा की कुदरत जानते हैं। क्यों फिर उस सलीब को इस कदर तरजीह देते हैं? ये जबरदस्त ख्याल है, ये बहुत बड़ी सोच है, ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के जहनों में उठ सकता है और उठता है। इसकी वजह अंजील है और खुदा का नाम है। यहाँ यहूदा की अंजील को जब हम पढ़ते हैं उसके बाद में बाप की बत्तीसवीं आयत तो लिखा है, यीशु मसीह ने खुद इस बयान को हम सबों के लिए रखा है, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। सलीब में बड़ी कुदरत है, मसीहा ने ये फरमान को जारी किया है कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा यानी सलीब पर चढ़ाया जाऊंगा तो फिर बताहिर तो ऐसा लगेगा कि उसे मसीहा को मसलूब कर दिया है, लेकिन ये इसलिए होगा कि मैं सबको जो नीचे है, गुनाह की कीच में है, गुनाह की दलदल में है, वो जो मुजरम ठहराए जाते हैं, वो जो नीचे हैं, उनको भी ऊपर आसमानों पर आलम बाला पर फेंक कर ले जाऊं। सलीब हम सबों के लिए इसलिए है कि हम जो जमीनी हैं वो आसमानी हो जाएं और खुदा की कुदरत को जोर से देखे। सलीब पौलुस रसूल की मनादी में, पत्रस रसूल की मनादी में, दूसरे रसूलों की मनादी आती है।
एकदम शरीर पर बोलना चाहते, शरीर को सिखाना चाहते, शरीर लोगों के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो आप सबको भी आल में पाला वारिस बना दूंगा, बादशाही का वारिस होंगे, आसमानी शहरी। उस वक्त हम बनते हैं जब हम शरीर पर गौर करते हैं, आसमानी शहरी हम उस वक्त बनते हैं जब शरीर पर की खुदा की कुदरत को जानते हैं और वो हमें खींचता है और हमें आसमान में बादशाह में दाखिल कर देता है। आय पर रुकते हुए मैं सबको रोकूंगा, पहला करती हूँ और उसकी बैठा दिया जबरदस्त हवाला है। पहला करती हूँ पहलाठानी आए और शरीर का पैगाम हलाल होने वालों के नजदीक है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। शरीर का पैगाम हलाल होने वालों के नजदीक बेवकूफी, वो कहते हैं कि ये क्या, लेकिन इसके पैगाम पर गौर करने वाले उनकी जिंदगी में निजात की कुदरत काम करना शुरू कर देती, खुदा की कुदरत उनकी जिंदगी में जोर से उतरती है और वो बड़े जोर के साथ इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। वो खुदा के जोर में खुदा की कुदरत में खुदा के नाम को जलाल देना शुरू करते हैं। सदीप का पैगाम, जैसा मैं अर्ज कर चुका हूं कि ये बहुत बड़ा मैसेज है, मेरी लाइफ खत्म हो सकती है लेकिन ये मैसेज खत्म नहीं हो सकता, लेकिन तो भी अगले संडे सदीप का पैगाम जो है पर हम और जानने और सीखने की कोशिश करेंगे। आइए हम अपने सब कुलम की हजूर में झुकाएं और दुआ मांगना शुरू करें। हालेलुया, वायु में बंद के हालेलुया। शरीर का पैगाम हमारी जिंदगी में खुदा की कुदरत है, शरीर का पैगाम हमारी जिंदगी में और खुदा का रहम में खुदा की कुदरत को पैदा करता है। हालेलुया। और खुदा के बंदा पत्रस की बातों को सीखा और वो कहते हैं कि शरीर का पैगाम उसके मार खाने से हमने छुपा पाए। आप अपनी जगहों पर खड़े हो सकते हैं जो बीमार हैं, शरीर आपकी शफा के लिए काम करने की कुदरत है। आप शरीर पर निगाह करें, एडम साहिबान मुबशर साहिबान सामने आए, हम मिलकर दुआ करेंगे। क्वेश्चन का जल्दी से झुके आसमान
Thank you.
जो पत्र चाहते हैं खुदा उनको भी शुभ
अपनी भक्ति पूरा पूरा और हर एक जिंदगी में तेरी बड़ी इच्छा सलीब का पैगाम इनकी जिंदगी में कुदरत बन जाए जोर बन जाए सलीब का पैगाम इनकी जिंदगी में ख्वाहिश से फर्क कर दो मेरे सवाल और सलाम की बात करते हुए यीशु के नाम में आमीन। आई खुदा यीशु मसीह के लिए जोर दाता Thank you.
यीशु के सिंह पर बरकत पता करती और जलाली नाम में आप सबके सामने चाहता हूँ। शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा के आज की इस खूबसूरत वर्षिप के लिए, निजात के पैगाम के लिए। खुदावंद ने हम सबको ये फजल बख्शा कि हम उसके निजात के पैगाम को जान सकें। कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट है। बहन शाजिया की तरफ से दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ की जाए, उनकी सेहत सलामती के लिए और उनके घर के मसाइल के लिए दुआ की जाए। OTS की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। मंगल शाम 6 बजे बेला जोड़ों के लिए दुआ की जाएगी, बेरोजगार लोगों के लिए दुआ की जाएगी, बीमारों और परेशान लोगों के लिए दुआ की जाएगी, मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए दुआ की जाएगी, पाक अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के लिए दुआ की जाएगी। जो लोग चर्च की सिक्योरिटी की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं उनके लिए दुआ की जाएगी, चर्च के इंतजामिया के लिए और कलीसिया की बरकत और सरफराजी के लिए दुआ की जाएगी। इसके साथ एक और दवाइया दरख्वास्त है, भाई यासर की तरफ से दुआ की दरख्वास्त है कि इनके राशन मनी का मसला है, इसके लिए दुआ की जाएगी। और एक बड़ी खुशखबरी ये है, आप में से कितने लोग हैं जो भाई जफर को जानते हैं जो वर्शिपर है? खुदा उनका शुक्र है कि आप सब लोग जानते हैं और खुदा ने इस शख्स को बड़ी बरकत दे दी है। वो जब जब भी हमारे पास यहाँ आए वो बहुत से लोगों के लिए बरकत का सबब बने हैं और खुदा उनका शुक्र है कि खुदा उन ऐसे लोगों को हमारी कलीसिया की बेदारी के लिए, नौजवानों की बेदारी के लिए हमारे दरमियान में कराता है ताकि हम ऐसे नौजवानों की खिदमत से सीख सकें और अपने आप को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकें। सो खुदा ने एक दफ़ा फिर ये मौका फ्राहम किया है कि भाई जफर कल शाम हमारे साथ यहाँ पर होंगे। कल शाम 6 बजे वो हमारे साथ खुदा की खिदमत के लिए यहाँ पर मौजूद होंगे, खुदा की वर्शिप करेंगे, प्रस्तुत की जाएगी। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं वो दूसरों को भी जाकर जरूर बताएं ताकि हम सब मिलकर खुदा के तख्त को यहाँ लगा सकें। और जब उसका तख्त लगे तो शरीफ की कुदरत के वसीला से काम हो, जिंदगियां तब्दील हो, बेरोजगारी जाती रहे और हमारी रूहानी तरक्की हो सके। सो इस बात को अपनी दुआओं में भी याद रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताएं और कल शाम 6 बजे अपनी हाजिरी को यहाँ पर यकीनी बनाएं ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें और बरकत को हासिल कर सकें। इससे पहले कि हम अपने अपने ईमान का इकरार करें, आज दूसरा संडे है कि खुदा के खादिम पास्टर जो हैं वो शरीफ के पैगाम पर बोल रहे हैं। मैं पिछले संडे भी इस बात को अपने दिल में मेरे था लेकिन मैं ना कर सका। लफ्ज था कुदरत, हमारे नज़दीक खुदा की कुदरत है। कुदरत का क्या मतलब है? दूसरे हफ्ते से हम इस बात पर जोर दे रहे हैं, बहुत दफा मैंने इस कलाम को सुना भी है। यहाँ बैठे हुए खुदा का रूह मेरे दिल में डाल रहा था, कुदरत है क्या कि हम ईमान लाने वालों के नज़दीक खुदा की क्या कुदरत? पैगाम सुना है हम सब ने। मैं चाहता था कि मेरे कलीसिया में से कोई ना कोई सवाल करता, मेरे से करता, पैसा पैसा भी सब तरह के सवाल हुआ आपसे कुदरत के वाले नहीं हुआ क्यों हुआ नहीं? वो तो खुदा कह रहे कि एक दो और संडे चले ताकि सही निजात पे हड्डियां जवान से सवाल नहीं आया कोई। जी कुदरत क्या है? हम ईमानदार हैं जी, ठीक है हाँ जी, माँ जी ने भी आपको खड़ा किया जी। नजदीक नजदीक है लेकिन जॉब ये नहीं। लासर खुदा कुदरत है, अल्लाह की जोर। कुदरत किसको कहते हैं? जोर को, खुदा का जोर, अल्लाह की जोर।
सलीब के ऊपर यीशु अपने जिस्म के जोर से नहीं, अपनी कुव्वत से नहीं, खुदा के जोर से जिंदा हुआ। और हमारी जिंदगी के अंदर भी जितने काम होते हैं वो खुदा के जोर से होते हैं, ये खुदा की कुदरत। और दूसरी बात, मैं बात लंबा नहीं करूंगा, मैसेज नहीं दे रहा, दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि सलीब की कुदरत के हवाले से मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि जिस रूह के और रूह जिस्म के खिलाफ काम करता है, ये इकट्ठे तो हैं, रूह और बदन इकट्ठे है ना, लेकिन फिर भी एक दूसरे के खिलाफ रहते, कभी इकट्ठे नहीं हो सके। आज तक किसी नबी की रूह और बदन इकट्ठा नहीं हो सका, दोनों के खिलाफ नहीं मिल सके। लेकिन सलीब की कुदरत ये है कि सलीब के ऊपर बदन और रूह एक हो गया। ने तीन चार दफा ये लफ्ज बोला, कौन मुझे गुनाह साबित करता है? और बदन के काम क्या है? आरामकारी, बदकारी, पालो सब सोने लिस्ट देते हैं, ये है बदन के काम। रूह ये काम नहीं करती, इसलिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। लेकिन सलीब की कुदरत के ऊपर, सलीब के ऊपर जो बदन था उसके अंदर ये काम नहीं थे, उधर रूह और बदन एक हो गया। आमीन। तो आए हम भी जो शरीर की कुदरत पर ईमान रखते हैं, जैसे पौलुस रसूल ने जिस्म की ख्वाहिशों को, जिस्म के कामों को सलीब के ऊपर मसलूब किया है, हम भी मसलूब करें ताकि ये पैगाम हमारे लिए यकीनी हो। आमीन। आए अपने पैरों पर खड़े हों और इसी ईमान के साथ कि शरीर का पैगाम कुदरत के साथ है, निजात का पैगाम है, जिसमें रूह और बदन एक हो जाते हैं। और उसने कहा उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को हला कर सकता है। आमीन। आए हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूं खुदा कादरे मुतलिक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जरूर कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमारी मरियम से पैदा हुआ, पुंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलिक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूं रूह कुदूस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आए इसी ईमान में हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। पास्टर आशीष से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और दुआ में रहना। हालेलुया। खुदावंद के खुदा, मेहरबान रहीम कादर मुतलिक खुदा, हम तेरा शुक्र बजाते हैं खुदा। आज सुबह खुदा को हमसे बोला और तूने हमें और ज़्यादा खुदा सलीब अहमियत के बारे में बताया कि सलीब हमारे लिए कितनी ज़रूरी और कवी और कादर चीज़ है। खुदा सलीब की इस कुदरत के लिए जिसको हमने जाना है, हर एक ज़िंदगी के अंदर खुदा ये सरियत कर जाए, हर एक ज़िंदगी सलीब की रिस्पेक्ट करे और हर एक सलीब को लेकर चले और खुदा तेरे नाम से जुड़ा हो। खुदावंदों के खुदा, प्रेजाइडर बहन के लिए तेरा शुक्र बजाते हैं, सारे लोगों के लिए खुदा, जितने लोग चर्च में इंतजाम करते हैं उनके लिए तेरा शुक्र बजाते हैं। और खुदा बख्श दे कि हम इसी तरह तेरे जलाल में, तेरे फान में, तेरी मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं और सदा तेरे नाम को जलाल दें। इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदा, जितनी तेरे हुजूर में आई हैं, इनको खुदा उनको अपने हुजूर कबूल कर, और इनके जो भी मुश्किलें और परेशानियां हैं खुदा तू इनसे बखूबी वाकिफ है। तेरे बेटे यीशु के नाम से उनकी हर एक मुश्किल, परेशानी और बीमारी उनकी जिंदगी में से जाती रहे और खुदा सारा इज्जत, सारा जलाल, सारा ऑनर तेरे बेटे यीशु को मिले। इन साइंस के लिए तेरा शुक्र बजाते हैं, जितने लोगों ने खुदा तेरे हुजूरी में दया यकी के साथ आए हैं, अपने हिस्से को तेरे हुजूरी में लाए हैं,
खुदा इसको अपने हुजूर कबूल कर और मकबूल ठहरा खुदा उन के खुदा जो खुदा के हुजूर में बोया गया सो गुना फल लाए और खुदा उस सारे हरी नजराने के लिए खुदा जो तेरे लोगों ने हुजूर में बोया है इसको भी अपने हुजूर कबूल कर और हर एक जिंदगी को कसर से बढ़ कर दी उसी यीशु के नाम से। आइए हम अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएंगे और वो दुआ जो हमारे मसीहा मसलूब ने हमें सिखाई शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी होती आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बरस दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। हमारे खुदा की रुचि का फसल खुदा बाप की मोहब्बत रूह की दर की रफात पर पछड़ा कर अपने का तमाम कदस लोगों के साथ बिलखसूस ताज जमात के साथ अक्कर आपको बरकत दे। एक बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, कल के प्रोग्राम के लिए कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग? एक बंदा सिर्फ एक प्रसाद ला सकते हैं। सुन के पास साहब की गल करो, कितने लोग कल कोई एक और साथ ला सकते? कल मैं चार लेके आऊंगा अपनी खुशी मुझे अपने बच्चे इस तरह नहीं कोई नया शख्स साथ लाने की कोशिश करें ताकि वो भी बरकत पाए। खुदा आपके साथ।